व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीदा कि आप सब खरीयत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खरीयत से। तो आप सोच रहे हैं ग्रैंड मॉम और ये किचन? जी जनाब, आपकी तलाक की रिपोर्ट है कि ग्रैंड मॉम लाहौर से पिंडी शिफ्ट हो चुकी है। तो आज मैं नए घर से अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए पहले आप मेरा किचन देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये किचन आपको कैसा लगा। बाद में हम आते हैं रेसिपी की। तो चलिए व्यूवर्स, मैंने सोचा आज नए किचन से कोई मीठा बनाते हैं, मीठा मीठी रेसिपी बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से भाग के जाएं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो नई रेसिपी आप तक आसानी पहुंचे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा व्यूवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी बस पिछले दिनों मेरा साहिबा जाना हुआ, मेरी सिस्टर है वहाँ, तो उन्होंने ये रेसिपी बनाई थी। मैंने तो आप यकीन करें मुझे इतनी पसंद आई, मैंने सोचा कि मैं ये घर जाकर जरूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने आप यकीन करें 3 बॉल खाए हैं भर भर के, इतनी मुझे ये पसंद आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ जनाब, ये देखिए ये पास्ता तवैया है मेरे पास और ये है लजीजा खीर। तो चलें इसका क्या बनाते हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 2 लीटर दूध डाला है, गर्म होने के लिए मैंने रख दिया दूध। पहले मैंने बॉईल किया हुआ है, ये मेरे पास 1 लीटर पानी है जो मैं इसमें डालूंगी गर्म होने के लिए। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें ये पास्ता सवैया जो है ये हाफ डालेंगे, हाफ सवैया हम इसमें डाल के इनको बॉईल करेंगे। ये मेरे पास 5 अदद इलायची हैं, इनको मैं कूट लेती हूँ। पाउडर नहीं बनाना हमने, जरा मोटी मोटी कूटने, छिलके अलग कर लेने, ये हम दूध में डालते हैं। ये मैंने इलायचियां डाल दी हैं कूट कर। तो व्यूअर्स ये 1/2 कप मैंने चीनी ली है, इसमें से भी हम कम डालेंगे, क्यों वो लजीजा खीर में भी चीनी होती है, इसलिए मैं कम ही डालूंगी, बाद में देख लेंगे, जब कम हुई तो मैं बाद में और डाल दूँ। बस इधर पानी बॉईल हो रहा है हमारा, अब मैं इसमें ये पास्ता सवैया डाल रही हूँ। ये गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने बादाम कूट लिए हैं मोटे मोटे, ये पिस्ता, ये 1/2 डालूंगी, 1/2 हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे। बादाम सारे डाल देती हूँ। ये है मेरे पास, ये है लजीजा खीर मिक्स का पैकेट, मैंने 1/2 डालना है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1/2 डालूंगी मैं इसमें। 2 किलो दूध है हमारा, ये 1/2 मैंने डाल दिया और ये जो चीनी बची थी ये भी मैं डाल रही हूँ, चीनी कम थी। अब हम इसे मिक्स करके इसको पकाएंगे। सवैया मैंने अच्छी तरह गला ली है, यह मैं इसमें डालूंगी बिस्मिल्लाह। ये नारियल मैंने कद्दूकस किया है, ये देखें ज्यादा मोटा नहीं, वो हमने पाउडर नहीं लेना जो बाजार से मिलता है बुरादा सा, ये हमने मोटा मोटा मैंने कद्दूकस किया है, ये डाली। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाते हैं और मैं हाजिर होती हूँ तकरीबन 10 मिनट के बाद। लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह क्या बात है जी आज की रेसिपी की। जल्दी से ट्राई करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलें डिश आउट करते हैं, इसी कंडीशन में आपने रखनी है, क्यों ये बच्चे शौक से खाते हैं जी, दूध वाली सवैया है तो इसी कंडीशन में आपने रखनी है। तो चलें डिश आउट करते हैं। तो चलें व्यूअर्स, जब ये ठंडी होगी तो ये सख्त हो जाएगी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नारियल। तो चलें व्यूअर्स थोड़ी सी डेकोरेट कर लेते हैं, यह चांदी के बर्क जनाब, ये लगाती हूँ मैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बादाम, ये पिस्ता, ये है जनाब किशमिश।
तो लीजिए व्यूवर्स, जबरदस्त रेसिपी रेडी है, मेरा कि आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी आपको और आपको मेरा किचन कैसा लगा। तो इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम मेरी रेसिपी के साथ इसी किचन से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दें, खुदा हाफिज़।